Shaw. इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में आज बात होगी मसालों की। जानेंगे क्या मसालों की पैदावार का हाल है और साथ ही दूसरे देशों में कैसी है मसालों की मांग। साथ ही भारतीय मसालों के प्रमुख खरीदार देशों के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। विदेशों में जम रही है भारतीय मसालों की धाक, मूल्य आधारित निर्यात में 10% तक का इजाफा। निर्यात के मामले में टॉप पर है लाल मिर्च, दूसरे नंबर पर जीरा। चीन और अमेरिका हैं भारतीय मसालों के सबसे बड़े खरीदार, श्रीलंका और थाईलैंड भी प्रमुख खरीदारों में शामिल। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे विदेशों में क्या है भारतीय मसालों की स्थिति और किन मसालों को किया जाता है सबसे ज्यादा पसंद। आइए शुरुआत करते हैं निर्यात वाली बात से। आपको बता दें कि भारतीय मसालों की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है। ऐसे में अगर किसान मसालों की खेती में अपनी रुचि बढ़ाएं तो परंपरागत फसलों के बजाय मसालों की फसल को उनको ज्यादा लाभ मिल सकता है। देश में परंपरागत खेती के साथ किसान अगर मसालों की खेती पर ध्यान दें तो उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि विदेशों में भारतीय मसालों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मसालों के निर्यात की मात्रा बढ़ने के साथ उनकी कीमत भी अच्छी मिल रही है, जिस वजह से मूल्य आधारित निर्यात भी बढ़ रहा है। मसाला निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 8% का जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान देश से लगभग 11.83 लाख टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में 11 लाख टन का ही निर्यात हो पाया था। मसालों के निर्यात में सिर्फ मात्रा के आधार पर ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि मूल्य के आधार पर भी निर्यात बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक मात्रा आधारित निर्यात में तो 8% बढ़ोतरी हुई ही है, लेकिन मूल्य आधारित निर्यात 10% तक बढ़ा है। यानी भारतीय मसालों को विदेशों में अच्छा दाम मिल रहा है और किसान अगर मसालों की खेती की तरफ ध्यान बढ़ाते हैं तो विदेशों में मिल रहे अच्छे दाम का लाभ उन तक भी पहुँच सकता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंडी खबर में। जानना चाहेंगे हम सबसे पहले निर्यात के हाल के बारे में, निर्यात की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? यह बात बिल्कुल सही है कि किसानों को ऐसे मसालों पर फोकस करना चाहिए, जैसे हमने देखा है कि मिर्ची, जीरा, हल्दी, जिनकी एक तरफ जहां घरेलू डिमांड भी बहुत ज्यादा है वहीं निर्यात मांग भी ज्यादा है। लेकिन मसालों के उत्पादन में सबसे अहम चीज इसकी क्लाइमेट होता है, क्योंकि हर मसाले हर राज्य में नहीं उपज सकते। जहां हमने देखा है कि दक्षिण भारत में काली मिर्च इन जैसे मसालों का बोलबाला है, वही गुजरात की बात की जाए तो वहां जीरे की उपज होती है। इसी तरह अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए तो वहाँ हल्दी की फसल प्रमुख रूप से होती है। लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि किसानों को मसालों की तरफ फोकस जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से अपना देश
मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात करने वाला भी देश है, और भारतीय मसालों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मसाले कोई भी हो, यह निश्चित है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, वहीं निर्यात मांग में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो शिव जी, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम अलग अलग पहलुओं पर आपसे निश्चित तौर पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मसालों के संदर्भ में ही आगे। यूं तो सभी भारतीय मसालों की विदेशों में अच्छी खासी मांग है, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं जो विदेशों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ऐसे में अगर किसान उन मसालों की खेती पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए इस संदर्भ में आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक है और सभी भारतीय मसालों की विदेशों में अच्छी मांग है, लेकिन विदेशों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पांच भारतीय मसालों की बात करें तो सबसे ऊपर लाल मिर्च का स्थान है। भारत से निर्यात होने वाले कुल मसालों में अकेली लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही लगभग 41% है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से कुल 484,000 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है। दूसरे नंबर पर 210,000 टन के साथ जीरा और तीसरे नंबर पर 136,000 टन निर्यात के साथ हल्दी है। चौथे नंबर पर 50,410 टन के साथ सूखा अदरक और पांचवे पर 50,250 टन के साथ धनिया है। इन मसालों के अलावा भारत में पैदा होने वाली छोटी इलायची, काली मिर्च और सौंफ की भी विदेशी बाजार में अच्छी मांग है। इन सभी की खेती किसानों को फायदा पहुंचा सकती है। तो अभी आपने देख लिए खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किसानों को ऐसे मसालों पर फोकस करना चाहिए जिनकी मांग विदेशों में लगातार अच्छी बनी हुई है। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? हमारे देश में पूरे 50 तरह के मसालों की खेती होती है और जो विश्व में किसी और देश में इतने तरह के मसाले नहीं उपजाए जाते हैं। मिर्ची के अलावा धनिया, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, सौंफ, मेथी, मतलब अपने देश में इतने बहुत सारे तरह के मसाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, कर्नाटक, तो बहुत सारे ऐसी मसाले हैं जिनका हर राज्य में उत्पादन नहीं हो सकता, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग सभी तरह के मसाले का उत्पादन होता है। जी, साथ ही अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिर्च ऐसा मसाला है जो भारत के बहुत सारे जगहों पर उगाया जाता है, इसके अलावा अगर देश भर में और कौन कौन से मसाले हैं जिनकी खेती अगर हमारे किसान करते हैं तो उनके लिए मुनाफेदार साबित हो सकती है उसकी खेती? यहाँ तक आने वाले समय में निर्यात मांग के संभावनाएं की बात है तो आने वाले समय में मसालों की निर्यात मांग में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अभी की बात की जाए तो अभी सबसे ज्यादा निर्यात करने वालों देशों में एक तरफ जहाँ अमेरिका, चीन, वियतनाम है, वही और बहुत सारे ऐसे देश हैं, बांग्लादेश हैं, कतर हैं, फ्रांस है। विश्व मोटा मोटी कहें तो विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों से भारतीय मसालों की निर्यात दिनों दिन बढ़ रही है। आने वाले समय में और भी ज्यादा निर्यात बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय मसालों की खुशबू इनकी एक विशेष पहचान है तो इनको बाकी सारे देश में भी आने वाले समय में इनकी निर्यात मांग में बढ़ोतरी होने वाली है। जी बिल्कुल शिव जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा मसालों पर हमारा ये मंडी खबर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा बुलेटिन मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान
देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आज हम मसालों पर बात कर रहे हैं, तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय मसालों की मांग यूं तो पूरी दुनिया में रहती है, लेकिन भारतीय मसालों के कुछ बड़े खरीदार देश ऐसे हैं जो हर साल भारत से मसालों की खरीद को बढ़ा रहे हैं। ऐसे देशों में चीन से लेकर अमेरिका तक शामिल हैं। दुनिया के हर महाद्वीप के हर छोटे बड़े देश में भारत के मसालों का निर्यात हो रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां भारत के मसालों का स्वाद कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है और वे हर साल भारत से मसालों की खरीद बढ़ा रहे हैं। ऐसे देशों में अमेरिका, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका और ईरान प्रमुख हैं। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने 2016-17 में भारत से 70,795 टन मसालों का आयात किया था, जो 2017-18 में बढ़कर 79,882 टन तक जा पहुंचा और फिर 2018-19 में 82,202 टन तक पहुंच गया। इसी तरह चीन ने 2016-17 में सिर्फ 14,921 टन मसाले खरीदे थे, लेकिन 2017-18 में खरीद लगभग दोगुना करके 28,981 टन की और 2018-19 में आयात बढ़कर 93,669 टन कर दिया। थाईलैंड की बात करें तो 2016-17 में उसने भारत से 63,698 टन मसाले खरीदे थे, जिसे 2018-19 में बढ़ाकर 74,214 टन कर दिया। श्रीलंका ने भी 2016-17 में भारत से 63,227 टन मसालों का आयात किया था और वर्ष 2018-19 में उसे बढ़ाकर 67,884 टन कर दिया। और ईरान, जो 2016-17 में भारत से 19,349 टन मसाले आयात करता था, उसे 2018-19 में बढ़ाकर 22,605 टन तक पहुंचा दिया। सिर्फ यही देश नहीं है जिन्होंने भारत से मसालों की खरीद बढ़ाई है, बल्कि वियतनाम और बांग्लादेश के अलावा खाड़ी के कई ऐसे देश हैं जहां पर हर साल भारतीय मसालों की मांग बढ़ रही है। तो फिलहाल आपने देख लिया कि कौन कौन से देश लगातार मसालों की खरीद को बढ़ाते जा रहे हैं। आइए इसी पर और चर्चा के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, रिपोर्ट में भी हमने देखा कि भारतीय मसालों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आगे आने वाले समय में निर्यात जो है किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं हम इसमें? जहाँ तक निर्यात मांग की बात है, हालांकि पिछले दिनों कोरोना महामारी के कारण हमने देखा है कि मसालों का इस तरफ जहाँ थोड़ी उत्पादन में भी प्रभावित हुआ है, वही दूसरी तरफ निर्यात मांग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अब धीरे धीरे जैसे इसका कहर कम होता जा रहा है, मसालों की निर्यात में फिर से पहले जैसी तेजी पकड़ेगी। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ देशों से मसालों के निर्यात में बहुत अच्छी मांग निकल कर आ सकती है, जिनमें ईरान, कतर, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और फ्रांस हैं। जी बिल्कुल, तो निर्यात की जो स्थिति है वो इस प्रकार बनी रह सकती है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट में 5 बड़े खरीदार देशों का जिक्र किया गया है, इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां से अच्छी खासी मांग आने की उम्मीद है, इस पर क्या जानकारी देंगे आप? यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ मसालों के पैदावार में कमी देखने को मिली है और जहाँ तक ये अगर मिर्च, जीरा, हल्दी की बात की जाए तो भारतीय मसालों में ये तीनों प्रमुख मसाले हैं। निश्चित रूप से इनके पैदावार में कमी से आने वाले समय में इनकी कीमतों पर तेजी दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ ये प्रमुख मसाले होने के कारण जहाँ इनका घरेलू खपत बहुत ज्यादा है, वही अगर भारत से मसालों के निर्यात की सूची देखी जाए तो ये तीनों बिल्कुल प्रमुख मसाले हैं जो विदेशों में निर्यात होते हैं। मुझे लगता है कि एक तरफ जहां पैदावार में कमी की खबरें आ रही हैं, इससे आने वाले समय में कीमतों पर इसका एक सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि निर्यात मांग आगे चलकर किस क्षेत्र से हमें देखने को मिल सकती है और मसालों की खेती में अच्छा खासा बदलाव हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमारे किसान इसको अपना लेते हैं। तो इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पैदावार की। तो बता दें आपको कि भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली 5 मसालों के उत्पादन की बात करते हैं अगर हम, तो फसल वर्ष 2019 और 20 के दौरान कुछ के उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई है तो कुछ का उत्पादन काफ़ी कम भी हुआ है। कैसी है पैदावार की स्थिति,
विस्तार से जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मसालों की विदेशी मांग बढ़ने की वजह से किसान इनकी खेती की तरफ आकर्षित हुए भी हैं और कई मसालों के उत्पादन में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन कई बार मौसम की मार की वजह से उपज कम भी होती है। फसल वर्ष 2019-20 के दौरान भी कुछ मसालों का उत्पादन बढ़ा है तो कुछ का कम हुआ है। बागवानी फसलों के लिए वर्ष 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल लाल मिर्च उत्पादन 17.02 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल 17.43 लाख टन था। जीरा उत्पादन 5.47 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 6.99 लाख टन का उत्पादन हुआ था। हल्दी उत्पादन 9.39 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले साल 9.61 लाख टन का उत्पादन हुआ था। धनिया उत्पादन 7.56 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल 5.92 लाख टन हुआ था। और सूखे अदरक का उत्पादन 18.44 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 17.88 लाख टन हुआ था। इनके अलावा इलायची उत्पादन में बढ़ोतरी और सौंफ उत्पादन में हल्की कमी का अनुमान है। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देख ली और जान लिया पैदावार की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। आइए इस पर और जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और मसालों के संदर्भ में हमारे तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। शिव जी, मिर्च, जीरा और हल्दी की पैदावार की बात करें तो इस बार पिछले साल से कुछ कमी की संभावनाएं हैं इसमें, साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जहाँ तक धनिया की बात है, इस बार की पूरी संभावना है कि इसके उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लगभग 1.5 लाख टन बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन जहाँ तक भाव की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इसके कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। यह बात निश्चित है कि जब भी कोई फसल बहुतायत में आने लगती है तो उसके डिमांड में थोड़ी कमी देखी जाती है। कुछ दिनों के लिए इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा सा है कि गिरावट देखने को मिले, लेकिन आने वाले लंबे समय तक ये गिरावट कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो धनिया के निर्यात मांग में लगभग 42% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ दिनों के लिए कीमतों में जरूर एक मंदी देखी जा सकती है जब फसल बनकर तैयार होगी, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी मांग में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और भाव में भी मजबूती आएगी। जी, इन मसालों की तो बात हो गई, अगर हम बात करें धनिये की तो धनिये के उत्पादन में 1.5 लाख टन से भी अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। इससे भाव तो बहुत ज्यादा नहीं गिर जाएगा आगे आने वाले समय में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जीरा की बात की जाए तो हालांकि अभी भी कीमतों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन मांग में मजबूती बनी हुई है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि जीरे की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां घरेलू मांग में आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि अब कोरोना के कारण जो हमने देखा था कि एक पूरे देश में एक लॉकडाउन की स्थिति थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और लोग अब एक सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे हैं। एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी लगातार पिछले 3 सालों से देखें तो तेजी बनी हुई है और आने वाले समय में भी इसके निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। तो जान लिया आपने कि धनिये के जो बाजार भाव हैं वो आगे किस प्रकार बने रह सकते हैं और किस तरह से हमारे किसान इससे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मंडी खबर। चार साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। अब मंडी खबर में बात होगी जीरे की पैदावार की। बता दें आपको कि जीरे की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान जताया जा रहा है। इसकी उपज में करीब 21% तक की गिरावट का अनुमान है। अगर भाव की बात करें तो बता दें कि एगमार्क नेट पर शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 10,475 रुपए। और यहीं की अगर हम राजकोट मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 12,150 रुपए पर। इसके साथ ही गुजरात की ही हम हलवद मंडी की बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 12,000 रुपए पर। और वहीं केरल की अरूर मंडी की बात की जाए तो इसके सौदे यहां दर्ज किए गए 23,000 रुपए पर। और आपको बता दें ये सभी भाव जो हैं वो आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा मात्र 6,99,000 टन का रहा था। तो जीरे के बाजार पर और विस्तृत जानकारी के लिए आइए अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। शिव जी, जीरे के बाजार की हम यहां पर चर्चा करेंगे तो अभी की स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं? आने वाले समय में इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी मांग में आने वाले समय में मजबूती बनी रहेगी। जी, जैसा आपने जिक्र किया परिस्थितियां इस तरह की रह सकती हैं, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या कदम उठाने की सलाह देंगे आप? जहां तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास धनिया का जीरे का स्टॉक है उनको मेरे विचार से इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से जीरे की कीमतों में और भी ज्यादा मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मसालों और साथ ही साथ खासतौर पर जीरे के संदर्भ में हमारे किसानों के साथ साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।